नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। मदरसे की आड़ में छात्रावास में रह रही भोली भाली मासूम छात्रा को हवस का शिकार बनाया जा रहा था। इस पूरे कांड का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता किशोरी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में मदरसे के छात्रावास में रह रही छात्रा ने मदरसे के संचालक मौलवी के बेटे पर जबरन छेड़खानी करने व इंजेक्शन लगाने का भी आरोप लगाया। यह है बिजनौर से सटे गांव बुरहानुद्दीनपुर में मौजूद मदरसा जामियातुल बनात, जो पिछले 2005 से बखूबी चल रहा है। मदरसा चर्चा में उस वक्त आया जब मदरसे के छात्रावास में कई साल से रह रही 14 साल की नाबालिग छात्रा मदरसे में रहकर ही अरबी मौलवियत के कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। मासूम छात्रा तकरीबन 2019 से मदरसे में अरबी कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। हालांकि पीड़ित छात्रा की पढ़ाई के 4 साल भी पूरे हो गए थे। पीड़ित छात्रा ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया है कि मदरसे के संचालक मौलवी शाहनवाज के बेटे हसन उर्फ कल्लू ने रात के वक्त में उसका हाथ पकड़कर गलत इरादे से बिस्तर पर लिटा लिया। हालांकि हादसे के वक्त पीड़ित छात्रा बीमार थी, लेकिन जालिम मौलवी के बेटे जल्लाद का जरा भी दिल नहीं पसीजा, बल्कि उसके जिस्म में जबरन कोई इंजेक्शन भी लगाया। उसके बाद हसन ने बुरी नीयत से नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दबोचकर नोचने की कोशिश की। फिलहाल इस मदरसे के छात्रावास में रह रही 200 छात्राओं को परिजन मदरसे से अपनी बच्चियों को अपने घर ले जाने लगे हैं। मदरसे के टीचर का कहना है कि मदरसे को बदनाम करने की नीयत से बेफिजूल मामले को उछाला जा रहा है। पूरा प्रकरण फर्जी है। पीड़ित नाबालिग छात्रा मदरसा छोड़कर चली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक अहमद है। इस मदरसे में आपका क्या पद है? इस मदरसे में मैं खिदमत अंजाम देता हूँ। जैसे मदरसे के ताउन के लिए इधर उधर जाना होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी मसला होता है। कारी साहब, एक आपकी यहाँ जो मदरसे में एक बच्ची की एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या सच्चाई है इसमें? देखो, इसके बारे में तो पूरी जानकारी तो इसकी जिम्मेदारी देंगे भाई, हम तो एक छोटे से खादिम हैं, लेकिन इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी तो नहीं है। लेकिन जैसा कि बच्चों से कुछ पता चला है कि यहाँ का निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ सुथरा निज़ाम है, और ये इदारा तकरीबन 21 साल से चल रहा है, और इसमें से बहुत बच्चियाँ पढ़ पढ़ कर यहाँ से फारिग होकर जा रही हैं, और आज तक कोई शिकायत इस 20 साल के बीच में कोई नहीं आई है। लिहाजा ये क्या है, कोई प्रोपेगेंडा है या बच्ची की अपनी कोई इस तरह की जो है एक सोच रही है, तो इसके बारे में तो मुकम्मल जानकारी वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन जैसा बच्चों ने बताया है कि ये सब फर्जी बात है। तो यहाँ कितने मदरसे में जो बच्चे हैं, जो बाहर के हैं, वो कितने पढ़ते हैं और क्या एजुकेशन तालीम देते हैं आप? यहाँ पर तकरीबन 200 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, और कुछ बच्चे इलाके से आते हैं और चले जाते हैं, और बड़ी खुली फिजा में तालीम होती है, और ये जूनियर तक की इसकी मान्यता है, और मौलवियत का पूरा कोर्स बच्चों को कराया जाता है। उधर पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया। थाना क्षेत्र कोतवाली के ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में अध्ययन करने वाली एक बालिका द्वारा थाने पर उपस्थित आकर तहरीर दी गई है कि मदरसे के ही एक युवक उस्मान द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।